माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक अत्यंत व्यथित कर देने वाली आपराधिक घटना की ओर दिलाना चाहता हूं। सिरोही जिले के अनादरा पुलिस थाना अंतर्गत अनुसूचित जाति की एक युवती और उसका भाई दूसरे के खेत पर हिस्सेदारी में काम करते थे और भाई किसी सामाजिक कार्य में गया हुआ था पड़ोस के दूसरे गांव में, और जब वापस लौटा तो उसकी बहन खेत के अंदर बेसुध पड़ी मिली। माननीय अध्यक्ष महोदय, वो उसको लेकर के अनादरा के हॉस्पिटल में गए तो वहाँ कंपाउंडर मिला। कंपाउंडर ने कहा कि नहीं नहीं आगे ले जाओ। वहाँ से उसको आबू रोड के एक निजी चिकित्सालय में ले जा करके भर्ती कराया। उस बच्ची के साथ माननीय अध्यक्ष महोदय बलात्कार हुआ और जहर देकर उसको मारने का प्रयास किया गया। वो लड़की आबू रोड के अस्पताल में 12 दिन भर्ती रही। उसको होश नहीं आया, वेंटिलेटर पर उसको कई दिन रखा गया माननीय अध्यक्ष महोदय, और जहर निकालने के लिए उसके गले में। मंत्री जी सब अपने अपने जगह पे बैठे, फिर पर्पज ही डिफीट हो जाता है। वो आदमी बोलता है उसका सुनने का, प्लीज उनके बाद अपने जगह बैठे प्लीज। माननीय मंत्री जी आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हो। ध्यान तो माननीय अध्यक्ष महोदय को, माननीय आपने बात मान सकते अपनी बात प्लीज। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि वो वेंटिलेटर पर बच्ची रही। सिरोही के एसपी साहब को डाक में एक गुमनाम पत्र मिला जिसमें ये लिखा गया कि इस लड़की के साथ बलात्कार हुआ है और उसको जहर दिया गया है, और रूटीन में डाक देखते देखते वो डाक एसपी साहब के सामने आ गई। ये भी हो सकता था कि उनके सामने नहीं आती और सीधी कागजों में फाइलों में चली जाती, लेकिन देखने के बाद वो स्वयं वहाँ आबू रोड के अस्पताल में गए। लड़की होश में नहीं थी, उसके गले में वो लगा हुआ था पाइप जिससे वो बोल भी नहीं सकती थी। उसके भाई ने इशारों से समझ करके, जब उन्होंने इस गुमनाम पत्र के बारे में कहा उनके भाई से लड़की के, तो उसने पुष्टि की कि ये बलात्कार की घटना हुई है। अगले दिन DYSP SC ST वहाँ बयान लेने के लिए गए, मेडिकल बोर्ड बना, लड़की की मेडिकल जांच भी हुई और बाद में वो रॉड भी लड़की की हट गई। एक लड़के ने तो उसके साथ बलात्कार किया माननीय अध्यक्ष महोदय, और लड़की ने स्टेटमेंट दिए और दूसरे लड़के ने उसको जहर पिलाया। पुलिस ने एक लड़के को तो गिरफ्तार कर लिया, दूसरे को किया नहीं। मैं आपसे यही निवेदन करना चाह रहा हूँ कि ये अपराधियों में भय और आम जन में विश्वास, ये व्यवहार में हमें दिखाई नहीं पड़ता। कमजोर तबके का आदमी इतना भयभीत है कि इतनी जघन्य अपराध होने के बाद भी ये परिस्थिति सामने आई। ये तो किसी अन्य व्यक्ति ने SP को गोपनीय चिट्ठी भेज दी। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करना चाहता हूँ कि उस पीड़ित परिवार निजी अस्पताल में इलाज कराया है, काफ़ी उसका खर्चा भी हुआ होगा, अभी तक सरकार की ओर से किसी तरह की उसको कोई सहायता नहीं दी गई। एक अपराधी अभी भी भाग रहा है जिसने हत्या करने का प्रयास किया है। अब ये भी पता नहीं चल रहा है कि उस बच्ची के साथ कितने लोग बलात्कार में शामिल रहे हैं या हत्या में भी और लोग शामिल रहे। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करूंगा कि जयपुर से आप एक उच्च अधिकारी को भेजें जिससे इस तरह के जघन्य अपराध के मामले में सरकार की प्रतिबद्धता का एक संदेश जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। संजय शर्मा अध्यक्ष महोदय,